हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएन केमिस्ट्री क्लासेस। ये जेई सीरीज के क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन आईआईटी 82 में पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हमको बताना है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे है। और मुझे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शंस में अगर आप ध्यान दें तो चारों ही ऑप्शंस मुझे एल्केन को दिखा रहे हैं कि एल्केन की तरफ है। अब हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट चेन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में मैंने इस चीज को बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया है, आप वहां आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है वीडियोज का, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में इस चीज को देख सकते हैं। आपको बस ये ट्रिक फॉलो करना है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट चैन। अब यहाँ पे देखिए, सबसे स्ट्रेट चैन जो हमको दिख रहा है वो दिख रहा है एनहेक्सेन, यहाँ पे सबसे लंबा चैन होने वाला है। ठीक है, तो ये है आपका सही आंसर, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे देखिए एन पेंटेन है, छोटा चैन है, यहाँ पे ब्यूटेन है, ये भी छोटा चैन है, ये प्रोपेन है, ये तीन कार्बन का चैन है। तो यहाँ पे आपको एन हेक्सेन सबसे ज्यादा सरफेस एरिया यहाँ पे कवर किया गया है और मॉलिक्यूलर वेट भी इसका सबसे ज्यादा है, तो आपका जो सही आंसर है वो है ए, एन हेक्सेन। ओके, इस वीडियो में हम लोग जेई सीरीज के क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन आईआईटी 86 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बोला है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर, किसका बॉइलिंग पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा हो सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के हम लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेट चैन के। ठीक है, स्ट्रेट चैन के या सरफेस एरिया हम लोग बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं, सरफेस एरिया के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ब्रांच के। ठीक है, तो हम लोग ये चीज जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, मतलब स्ट्रेट चैन, जितना बड़ा स्ट्रेट चैन होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया कवर किया जाएगा, उतना ज्यादा वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अब आप चारों ही ऑप्शन यहां पर देखें तो चारों ऑप्शन में बताया गया है कि ये एक एल्केन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एन ऑक्टेन का स्ट्रक्चर जो होगा, ये स्ट्रक्चर सबसे लंबा यहाँ पे आपका कार्बन का चैन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का चैन सबसे लंबा होने वाला है, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया को कवर किया जाएगा एन ऑक्टेन से, तो आपका एन ऑक्टेन इज द राइट वन। एन ऑक्टेन आपका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कवर कंप्लीट सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखने वाला जो कंपाउंड यहाँ पे है वो है एन ऑक्टेन। वेलकम टू एसएन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जेई सीरीज के क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आईआईटी जेई 97 में पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज पॉर्ड ऑन वाटर इट फ्लोट्स, बिकॉज अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन को वाटर के अंदर डाल देते हैं तो ये वाटर में तैरने लगता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के वीडियोस में मैंने आपको बताया था डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी ऑफ एल्केन के बारे में मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एल्केन्स की जो डेंसिटी होती है, एल्केन्स की जो डेंसिटी होती है ये मैक्सिमम 0.8 देखी जाती है, 0.8 ग्राम पर ml के बाद इनकी डेंसिटी को कॉन्स्टेंट हो जाता है। एल्केन्स की डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml के बाद कॉन्स्टेंट होने लगती है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन जो है ये एक एल्केन है और इसकी डेंसिटी 0.77 ग्राम पर एमएल होती है, है ना। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी अप्रॉक्स 1 ग्राम पर एमएल होती है। तो साइक्लोहेक्सेन जो है इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। सिर्फ साइक्लोहेक्सेन ही नहीं, किसी भी एल्केन को अगर हम वाटर के अंदर डाल देते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि एल्केन्स क्या होता है, उस मिक्सचर में टॉप पे होता है, तो हम लोग इजीली एल्केन्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन अपने कम डेंसिटी की वजह से वाटर में जा करके फ्लोट करता है। तो आप यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को देखें, साइक्लोहेक्सेन इज लेस डेंस देन वाटर, है ना, और इसीलिए ये फ्लोट करता है। तो आपका सही आंसर क्या है, डी है।